राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है न्यूज 18 के अलवर के तिजारा से जीत दर्ज करने वाले विधायक बाबा ने न्यूज 18 ने इनसे बातचीत की है उन्होंने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह और जेपी नड्डा को दिया साथ ही कांग्रेस की हार की वजह भी बताई सुनिए तो आपको बता दें कि महंत बालकनाथ ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की है जिस तरीके से राजस्थान में बंपर जीत से बीजेपी को कई सीटें मिली हैं महंत बालकनाथ को एक प्रबल दावेदार भी मुख्यमंत्री के तौर पर कहा जा रहा है ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस पर भी वो आरोप लगाते नजर आए बाबा बालकनाथ हैं जिनकी सीट पर पूरे राजस्थान में नजर भी थी और सबसे ज्यादा कहा जा रहा था कि बाबा की सीट पर नजर है और ये सीट से बाबा जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे ये आपके समर्थक बहुत कह रहे हैं बार बार नहीं ऐसा तो विषय नहीं है सब समर्थक लगे थे तिजारा विधानसभा को जीतने और पूरे राजस्थान को जीतने लगे थे और वो जीत सुनिश्चित भी हुई है और सभी कार्यकर्ताओं की लोगों की मेहनत से अभी ये भी सब लेकर के लोग खड़े हुए इंतजार कर रहे रहे हैं हैं आपके समर्थक आ तो मिठाई भी यहां पर खिलाई जा रही है क्योंकि बाबा बालकनाथ की जीत ऐतिहासिक है और क्योंकि बहुत कहा जा रहा था कि टफ फाइट यहां पर इस सीट पर है लेकिन बाबा बालकनाथ जी जीते हैं जी बाबा जी सब देखो तिजारा की जनता जीती है चुनाव सब ने एकजुटता के साथ में इस चुनाव में योगदान दिया है और सब लोग हमारे कार्यकर्ता सब मन और भाव से इस चुनाव के अंदर जुटे और सबके परिश्रम से चुनाव जीता गया है पूरा राजस्थान जीता गया है हमें सेवा का दायित्व तो मिला है और हम पूरे निष्ठा से पूरे अंतरात्मा से हमारे तिजारा की जनता की सेवा कर उनको वो हर खुशियाँ देकर उनके विकास को रक्षा सुरक्षा हर स्तर पर तिजारा को आगे बढ़ाएंगे भाई कौन सा ऐसा बड़ा कारण रहा कि जो आप इस जीत के पीछे देखते हैं क्योंकि अशोक गहलोत भी कह रहे थे कि उनकी कई ऐसी योजनाएं हैं चिरंजीवी है और तमाम ऐसी चीजें हैं जो उनको वापिस सत्ता में लाएगी और रिवाज टूटेगा राजस्थान का लेकिन रिवाज नहीं टूटा देखिए गहलोत जी की कोई ऐसी योजना नहीं थी ये खाली झूठ का एक पिटारा था झूठ का बवंडर था धरातल पे कुछ नहीं था चिरंजीवी योजना का डाटा निकाले तो कितने लोगों ने लाभ लिया उससे कईयों अधिक तो हमारे अन्य राज्यों में जो आयुष्मान भारत योजना है उसका लाभ मिला है और वो पैसा भी केंद्र सरकार का उसमें भी बहुत हद तक का पैसा और जिस प्रकार से उन्होंने किसानों के साथ में शुरुआती दस दिन में ही धोखा कर दिया अठारह से जब चुनाव में आए थे उस समय पर दस दिन की घोषणा की थी ग्यारहवें दिन ही राजस्थान की जनता हराने के लिए तैयार थी और युवाओं के पेपर को बेच बेच कर चोरी कर कर कागज चोर हैं ये लोग कागज खा गए ये तो चूहे के समान के लोग है चूहा जैसे कागज खा जाता है ऐसे कांग्रेस के लोग कागज खा जाते हैं पेपर का कागज खा गए और महिलाओं के साथ में जिस प्रकार के दुराचार राजस्थान में हुए हैं तुष्टिकरण की राजनीति को पराकाष्ठा पार कर गया पूरा राजस्थान इन सब चीजों से राजस्थान की जनता त्रस्त थी और मौके के इंतजार में थी अब मौका लोकतंत्र का आया था तो जनता ने अपना परिणाम दिया अगर यही समय आज से दो साल तीन साल पहले आ जाता तो राजस्थान की जनता उस समय भी यही परिणाम दे आपकी सीट पर पोलराइजेशन करने की भी बहुत कोशिश हुई कि एकजुट होकर के वोट होगा आपकी सीट फंस जाएगी आपको फंसा दिया जाएगा ऐसी कोशिशें को किस तरीके से देखते हैं वो भी राजस्थान में देखिए मैंने तो कहा था कि ये मैच है हमारा कितनी कोशिश कर लें, और मैंने तो ये भी कहा था कि कब्र में भी गए हुए हैं जो उनको भी उठाकर वोट करा ले तब भी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी सनातन जीतेगा